वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बॉलीवुड, बॉलीवुड का वो हिस्सा जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, शिवलिंग को पत्थर बोल रहा है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है, उसी बॉलीवुड फैक्ट्री से निकला एक डिफेक्टेड पीस जिसका नाम है स्वरा भास्कर, जिनको आए दिन शर्म आती है कि वो एक हिंदू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीष शर्मा। वामपंथ समर्थक स्वरा भास्कर का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। उन्हें एक बार फिर से शर्म आ गई कि वो एक हिंदू है। इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने हिंदू होने पर शर्म गुरुग्राम की एक घटना पर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुले आसमान के नीचे कुछ मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। इसी घटना को स्वरा ने कट्टरता का नाम दिया और उन्हें हिंदू होने पर शर्म आने लगी। उन्होंने ट्वीट किया, एक हिंदू के रूप में मैं शर्मिंदा हूं। वायरल वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर 12 ए की है, जहां सार्वजनिक स्थल पर कुछ मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे। वहीं पर बजरंग दल और अन्य लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय भी बोल दिया। और इसी के साथ ही वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। बता दें कि हर सप्ताह जुमे के दिन इस तरह की हरकत से गुरुग्राम में बड़ा ट्रैफिक जाम लग रहा था। इस बयान को लेकर स्वरा भास्कर की खिंचाई सोशल मीडिया पर खूब हो रही है कि भैया मैं तो शर्म आ रही है मुझे कि मैं हिंदू हूं। जिस पर अब स्वरा भास्कर ने एक दूसरा ट्वीट भी कर दिया है और दूसरे ट्वीट का मतलब यह है कि हिंदुत्व का मतलब वो समझा रही है, हिंदुत्व को समझाने की कोशिश कर रही है। स्वरा ने बताया कि वह किस मुद्दे पर शर्मिंदा है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक ट्वीट किया, मेरा हिंदुत्व मुझे सिखाता है कि पेड़ों पर फल दूसरों पर उपकार के लिए लगते हैं, नदी दूसरों को फायदा देने के लिए बहती है, गाय दूसरों के भले के लिए दूध देती है और मनुष्यों का शरीर दूसरों के भले के लिए होता है। स्वरा ने आगे यह भी बताने की कोशिश की है कि उनका धर्म उन्हें क्या नहीं सिखाता है। उन्होंने लिखा कि मेरा हिंदुत्व दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना नहीं सिखाता। जब मैं कुछ लोगों को मेरे भगवान श्री राम का नाम लेकर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करते देखती हूँ, तो वो भी तब जब शांति से प्रार्थना कर रही होती हैं, ऐसे में ये मेरे भगवान और मेरे हिंदुत्व का अनादर है। मैं ऐसे लोगों को लेकर शर्मिंदा हूँ। जब वे लोग हमारे भगवान का नाम लेकर अपराध करते हैं तो एक हिंदू होने पर मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। स्वरा मैडम, आप एक काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप एक काम करो, आप हिंदू धर्म, आप सनातन धर्म छोड़ दो, छोड़ दो वो सनातन धर्म की पूजाएं जिनका नाटक आप बीते महीने कर रही थी। तब तो आपको बड़ा प्राउड हो रहा था कि आपसे बड़ा कोई हिंदू ही नहीं है। और 17 अगस्त को आपने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था कि आपको हिंदू टेरर लग रहा था, आपको हिंदुत्व एक टेरर लग रहा था, आप उसको तालिबान से कम नहीं समझ रही थी, आप उसको तालिबान से कंपेयर कर रही थी। आपको एक तरफ अपने ही धर्म में टेरर दिखता है और दूसरी तरफ आपको अपने धर्म में जो है कभी अशेम्ड फील करती हैं, फिर आप बोलती हैं कि नहीं मैं तो प्राउड फील करती हूं। आप पूजाओं की जो है फोटो ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, आपको यही नहीं दिखता कि उनके नमाज पढ़ने से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। आप आरएसएस को तालिबान बोलती है ना, आपने आरएसएस को तालिबान बोला है ना, उन्हीं के राज में आपकी वीरे दी वेडिंग जैसी घटिया फिल्म रिलीज हुई। तालिबान के राज में करके दिखा दीजिए ऐसी फिल्म रिलीज, आपके घर तक आ जाएंगे तलवार लेकर, और तलवार छोड़िए AK-47 ले आएंगे आपके घर तक। अरे बंद कीजिए लिबरल बनने का नाटक, क्योंकि लिबरल नहीं आप ढोंगी हैं। मैडम को शर्म आ रही है कि मैं हिंदू हूं। आप हिंदू हैं, आप हिंदू थी, लेकिन आप लिबरल बनने का नाटक मत कीजिए, आप तो हिंदू के नाम पर भी धब्बा है। अरे दोस्तों, आप ही बता दीजिए इनको हमारे कमेंट सेक्शन में, इन्होंने जो बात बोली है। मैडम कहती हैं कि शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं। आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, आप बताइए इनके बारे में। इस चीज पर टिप्पणी जरूर करिएगा कि आजकल के जो लोग बोल देते हैं ना कि शर्म आती है हम हिंदू हैं, इन चीजों पर आपने सख्त से सख्त लपेटना है। आपको पता है आपने क्या करना है। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।